नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है और बात करते हैं अब तक की प्रमुख खबरों की। मजबूरी में भारतीय बने अलगाववादी नेता गिलानी। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी शुक्रवार को पासपोर्ट अधिकारियों के समक्ष पेश हुए। उन्होंने अपने यात्रा दस्तावेज की औपचारिकताओं को पूरा करते हुए खुद को भारतीय घोषित किया, लेकिन इस बात पर बल दिया कि उन्होंने ऐसा मजबूरी के चलते किया। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारी ने यहां बताया कि गिलानी ने निर्धारित काउंटर पर अपना बायोमेट्रिक डाटा दिया। 88 वर्षीय कट्टरपंथी हुर्रियत नेता सऊदी अरब में अपनी बीमार पुत्री को देखने के लिए जाना चाहते हैं। गिलानी ने कहा कि मैं जन्मजात भारतीय नहीं हूं, ये एक मजबूरी है। हुर्रियत के एक प्रवक्ता ने गिलानी द्वारा भारतीय लिखे जाने को उचित ठहराते हुए कहा कि प्रत्येक कश्मीरी के लिए भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा करना एक मजबूरी है। जम्मू में कर्फ्यू तोड़कर सिखों ने किया प्रदर्शन। जम्मू में सिख युवकों ने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन खालिस्तान समर्थक नेता जरनेल सिंह भिंडरावाला के पोस्टर हटाने के कारण किया जा रहा था। गुरुवार को पुलिस से हुए टकराव में एक युवक की मौत हो गई थी और 7 अन्य लोग घायल हो गए थे। पूरे जम्मू में धारा 144 लगाई गई है। सतवाड़ी, रानीबाग, गढ़ीगढ़, आरएसपुरा क्षेत्र के हिंसाग्रस्त इलाकों में कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है। गोवा के मंत्री पारुलेकर के विवादित बयान पर बवाल। गोवा के पर्यटन मंत्री दिलीप पारुलेकर ने राज्य में दिल्ली की दो महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को नादान कहा और इसे एक छुटपुट घटना बताया। मंत्री के इस बयान पर बवाल मच गया है। पारुलेकर ने घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि गोवा जैसे व्यस्त पर्यटन केंद्रों में इस तरह की छुटपुट घटनाएं हो जाती है। लड़के नादान है और उनके खिलाफ छोटे मोटे अपराध के मामले दर्ज है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। जब पूछा गया कि घटना से क्या गोवा की साख को धक्का लगेगा, तो इस पर पारुलेकर ने ना में जवाब दिया और कहा कि महिलाएं गोवा की नहीं थी, वे दिल्ली की थीं। पीएम मोदी से मुरली मनोहर जोशी नाराज। वरिष्ठ भाजपा नेता और कानपुर से सांसद मुरली मनोहर जोशी ने मोदी सरकार के नमामि गंगे अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह से गंगा की सफाई संभव नहीं है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गडकरी पर चुटकी लेते हुए कहा कि गंगा में जो लोग जहाज चलाने की बात करते हैं, उन्हें न तो इसके इतिहास के बारे में कोई जानकारी है, न ही भूगोल की। डॉक्टर जोशी ने कहा कि नमामि गंगे जिसे कहा जा रहा है, इस अभियान के तहत जो कुछ भी केंद्र सरकार ने शुरू किया है, उन्होंने इसकी समीक्षा की तो कई खामियां मिली। उन्होंने कहा कि मैंने गंगा के निकलने का प्रश्न पूछा तो कोई वैज्ञानिक नहीं बता सका। मलाला के हमलावर गुपचुप तरीके से रिहा। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई पर हमला करने वालों को गुपचुप तरीके से जेल से छोड़ दिया गया है। इन्हें इस अपराध के लिए 25-25 साल की सजा सुनाई गई थी। इनमें से एक घटना को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड भी है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में स्थित एक अदालत ने इस वर्ष 30 अप्रैल को मलाला पर हमला करने वाले 10 दोषियों को उम्र कैद यानी 25 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन ब्रिटिश अखबार डेली मिरर में छपी खबर के मुताबिक सजा दिए जाने के सप्ताह भर बाद ही 10 में से 8 दोषियों को जेल से गुपचुप तरीके से छोड़ दिया गया। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों और जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।